देखिए, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार की तरफ से हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित हो, और इसी कड़ी में बुलडोजर भी एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा उत्तर प्रदेश में। और अब ऐसे 15,000 माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली गई है जिन पर बुलडोजर चलेगा आगे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पंद्रह हजार माफियाओं की लिस्ट, 1500 बुलडोजर तैयार। शपथ ग्रहण के बाद से सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हैं, और 45 दिन के अंदर ही सीएम योगी ने 5 साल की झांकी दिखा दी। गुंडे, माफिया, दबंग और दंगाइयों से लेकर भ्रष्ट, लापरवाह और दबंग अधिकारियों तक को भी सीएम योगी ने टाइट कर दिया है। कईयों के ऊपर बुलडोजर चल चुका है और कईयों के ऊपर चलने के लिए तैयार है। यूपी के 75 जिलों में सीएम योगी ने पहले टॉप 50 माफियाओं पर बुलडोजर प्रहार किया, अब उनके गैंग के गुर्गों पर सीएम योगी का बुलडोजर दौड़ने को तैयार है। गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई माफिया और कोई पेशेवर अपना जबरन कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता है, तत्काल उसकी छाती पर बुलडोजर भी चलेगा। यूपी के 75 जिलों के 1526 थानों से 15,000 से ज्यादा माफिया, गुंडे, बदमाशों की लिस्ट सीएम योगी के पास पहुंच गई है। अब सीएम योगी इन बदमाशों पर बुलडोजर प्रहार करने की तैयारी में है ताकि यूपी को अपराध मुक्त बनाया जा सके। मुख्तार से लेकर अतीक अहमद, बदन सिंह बद्दू से लेकर कुख्यात गौ तस्कर अकबर बंजारा तक के अवैध अकूत संपत्ति पर बुलडोजर बाबा दनादन प्रहार कर रहे हैं। रोजाना बुलडोजर बाबा करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, अरबों रुपए की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं, जब्त किया जा रहा है, और बुलडोजर प्रहार से छुटभैया, गुंडे से लेकर गैंग के सरगना तक थर थर कांप रहे हैं। जो लोग संवाद से नहीं मानेंगे तो उसको कानून से मिलवाएंगे। बदमाश, गुंडे, माफिया, दबंग और दंगाइयों के खिलाफ योगी का बुलडोजर मॉडल यूपी से निकलकर पूरे देश में छा चुका है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और बिहार में भी बुलडोजर बदमाशों के सीने पर दौड़ रहा है, और तो और बुलडोजर एक्शन से देश में बुलडोजर की डिमांड भी बढ़ गई है। अब 8 घंटे के लिए बुलडोजर का किराया 8,000 हो गया है। इसके साथ ही बुलडोजर नोट भी छाप रहा है। बरेली में बदमाशों के कब्जे से छुड़ाई गई सरकारी जमीन और जब्त किए गए सामानों से 500 करोड़ की कमाई हुई है, और यूपी में अब योगी के बुलडोजर से कोई भी दबंग माफिया बचने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पूरे कुंडली सीएम ऑफिस में पहुंच गई है और उन पर बुलडोजर प्रहार कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीवी। और अब आपको गोरखपुर से आई कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, बच्चों के बीच में वो पहुंचे और फिर बच्चों के साथ उन्होंने किस तरीके से टाइम स्पेंड किया। कुछ व्यस्त नजर आए। दरअसल योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे गोरखपुर में 4 लेन सड़क निर्माण, लेकिन वहां पर कुछ बच्चे भी उन्हें मिल गए, और इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी खिलाया, उनसे बातचीत भी की है। तो ये कुछ राजनीति से हट करके अलग चाहे योगी आदित्यनाथ की भी हम बात कर ले, जहां भी वो जाते हैं अगर बच्चे इर्द गिर्द उनके होते हैं तो फिर वो बच्चों के साथ भी घुल मिल जाते हैं, उनसे बड़ी खबरों का। और इसके लिए सीधा मैं ग्राउंड से रुख कर लेती हूँ स्टूडियो का, जहां से इस वक्त कि 10 कौन सी बड़ी खबर। बिल्कुल, 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं प्रिया। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्थल के पर सीएम योगी ने किए दर्शन, भगवान बुद्ध के सामने नवायशीष भगवान बुद्ध को चादर चढ़ाई। यूपी के अमरोहा में महज 29 दिन में छेड़खानी के दोषी को सुनाई गई सजा, पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते सजा 3 साल की सजा और जुर्माना।
यूपी के ज्ञानपुर से विधायक विपुल दुबे को जान से मारने की धमकी मिली। कुछ लोग विधायक को रास्ते से हटाने की रच रहे हैं साजिश, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 1 करोड़ की कोकीन बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कॉलेज के छात्रों को कोकीन सप्लाई की जाती थी। रुड़की में दबंगों ने डेयरी संचालक और कर्मचारियों पर किया जानलेवा हमला। 12 हमलावरों ने जमकर मचाया तांडव। सीसीटीवी में कैद भी मारपीट की वारदात। मध्य प्रदेश के धार में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला। पत्थरबाजी में 3 पुलिसकर्मी जख्मी। बदमाशों ने पुलिस की राइफल भी लूटी। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में बेटियों ने मारी बाजी। 12वीं में करीब 79% तो 10वीं में 74% रहा रिजल्ट। बिहार के पटना में कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्रों का तिरंगा मार्च। धांधली का आरोप लगाते हुए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सामने दिया धरना। बिहार के दरभंगा में दिल दहला देने वाली वारदात। पारिवारिक विवाद में महिला ने घर में लगाई आग। पति, सास और सौतन समेत महिला की भी जलकर मौत। ये मोदी से मिले राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया। राजस्थान के संगठनात्मक और राजनीतिक विषयों पर की चर्चा।